राम राम जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिट फार्मासिस्ट में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल शायद हो सकता है, शायद नहीं भी। आज की हमारी जो वीडियो है वो बनी है सोया प्रोटीन या सोया प्रोडक्ट्स के ऊपर। बेसिकली हम प्रोटीन के लिए सोया के चार तरह के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, सोया चंक्स, सोया पनीर, सोयाबीन या सोया मिल्क। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में है, जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनकी मिथ्स और देखते हैं क्या वो मिथ्स सही हैं या गलत। तो स्टार्टिंग करते हैं हम सोया चंक्स से। तो सोया चंक्स के पर 100 ग्राम में हमें मिल जाता है 52 ग्राम प्रोटीन, ऑलमोस्ट 52% प्रोटीन, 36 से 37 ग्राम के आसपास कार्ब्स एंड ना के बराबर फैट्स। अब बात करते हैं हम सोयाबीन की, जिसमें हमें मिल जाता है 36 ग्राम के आसपास प्रोटीन, 30 ग्राम के आसपास कार्ब्स एंड 20 ग्राम्स के आसपास फैट। तो टोफू, इसके पर 100 ग्राम में मिल जाता है हमें 17 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम कार्ब्स एंड 8 ग्राम्स के आसपास फैट्स। अब बात करते हैं हम सोया मिल्क की, तो इसके पर 100 ग्राम में हमें मिल जाता है 3.5 से 4 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम के आसपास कार्ब्स और 8 ग्राम के आसपास फैट्स। तो अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि जब सोया या सोया प्रोटीन इतना न्यूट्रिशियस है, सोया के हर एक फॉर्म में ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स है और अच्छे खासे फैट्स हैं, कोई में तो फैट्स है भी नहीं है, फिर ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों बना हुआ है? कईयों को लगता है इससे उनका टेस्टोस्ट्रॉन लेवल कम हो जाएगा, कईयों को लगता है उनके मैन बूब्स आ जाएंगे, कईयों को लगता है उनका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाएगा। इसमें लड़के नहीं लड़कियां भी हैं, लड़कियों को लगता है कि उनका हार्मोनल इनबैलेंस हो जाएगा। अब ये जो मिथ्स हैं इसकी, ये रुकती नहीं है, ये और पॉपुलर होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ और सिर्फ तीन मेजर कारण हैं। पहला, जो सप्लीमेंट कंपनीज हैं या जो स्टोर ओनर है, वो लोगों को इसके खिलाफ मिस रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों मिस रिप्रेजेंट करते हैं? जो एक आम आदमी है जो वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं खरीद पा रहा, ठीक है, वो क्या करेगा? सोया चंक से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करेगा। तो इसमें उनका जो वे प्रोटीन है या उनकी दुकान है, उसकी सेल थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऐसा तो कोई चाहता नहीं है, फर्स्ट रीज़न ये रहा। दूसरा रीज़न ये कि लोगों को लगता है कि सोया इज़ फुल ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स, लेकिन भाई एंटी न्यूट्रिएंट्स तो हर तरह की दाल सब्जी या फ्रूट में मिल ही जाता है, तो आप क्या करोगे, हवा खाओगे? नहीं ना, हवा तो नहीं खा सकते। ये मिथ जनरली सोया चंक्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। अब जिनको ये मिथ सच लगती है उनको बता दूं कि सोया चंक्स की जो प्रोसेसिंग है वो डी फैटेड सोया फ्लावर से होती है, 100 एंड 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जिसमें ऑलमोस्ट हर एक एंटी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है एंटी न्यूट्रिएंट्स को लेके, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको 30 से 40 मिनट के लिए सोक कर सकते हो पानी में, या तो उसको कुक या प्रेशर कुक कर सकते हो। इसमें हर एक आपके जितना थोड़ा बहुत अगर एंटी न्यूट्रिएंट्स बचा भी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, बट अगर आप उसको कुक प्रेशर कुक या सोक करके रख लेते हो तो सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो ही जाएंगे, ठीक है। थर्ड मिथ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोया चंक्स को लेकर, कि इससे आपको मैन बूब्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सोया चंक्स में एक कंपाउंड पाया जाता है आइसोफ्लेवोन नाम का, अब हम उसे फाइटो एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब हो गया प्लांट्स, एस्ट्रोजन का मतलब हो गया फीमेल हार्मोन। अब देखो, मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। अब लोग तो ये बस एस्ट्रोजन खा लो, एस्ट्रोजन तुम्हारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर से कंबाइन होगा और तुम्हारे बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। ऐसे कैसे? ह्यूमन बॉडी ऐसे काम करती है? कोई भी बॉडी ऐसे काम करती है? नहीं करती है। चलो अब इसमें डीप चलते हैं। एक स्टडी हुई थी रैट्स के ऊपर, जिसमें उन्हें 20 mg पर kg ऑफ देयर बॉडी वेट आइसोफ्लेवोन दिया गया। कितना? 20 mg पर kg ऑफ देयर बॉडी फैट दिया गया आइसोफ्लेवोन। तो अब 1 ग्राम सोए प्रोटीन में होता है 3 mg ऑफ आइसोफ्लेवोन। तो अगर आप 200 ग्राम सोया चंक्स खा रहे हैं, उसमें आपको कितना मिल रहा है? 104 ग्राम प्रोटीन। अब 104 को हम 3 से मल्टीप्लाई कितना करें, कितना हुआ?
312 mg आइसोफ्लेवोन, है ना। देखो अब एक 80 ग्राम का बंदा है जो 200 ग्राम सोया चंक्स डेली खा रहा है और उसे कितना मिल रहा है, 104 ग्राम प्रोटीन। अब 104 ग्राम प्रोटीन में आइसोफ्लेवोन कितना हुआ, आइसोफ्लेवोन हुआ 312 mg। अब इसको हम पता कैसे करेंगे कितना परसेंटेज है, 312 को डिवाइड कर दो 80 से, क्या आया, 3.9 mg पर kg ऑफ देयर बॉडी वेट। अब हमको कितना दिया गया था, 20 mg पर kg ऑफ देयर बॉडी वेट, और हम कितना ले रहे हैं, 3.9 mg पर kg ऑफ देयर बॉडी वेट। हाँ, चूहों को शो हुआ, बट कब जाके शो हुआ, 20 mg पर kg ऑफ देयर बॉडी वेट पे उनको शो हुआ कि टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। बट कितने टाइम्स ज़्यादा है, 3.9 से चूहे ने कब रिएक्ट किया, 20 mg पर kg ऑफ देयर बॉडी वेट पे, और हम कितना ले रहे हैं, 3.9 mg पर kg ऑफ आर बॉडी वेट। बस यहाँ से पता लगता है कि हाँ, सोया चंक्स बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, आप खा सकते हो। और एक और बात की, हमारे पास या ह्यूमन बॉडी में इतने पावरफुल एस्ट्रोजन रिसेप्टर नहीं होते हैं जितने अदर मैमल्स में होते हैं, ठीक है। तो आप सोया चंक्स को बिना डरे खा सकते हो। ये थी हमारी वीडियो सोया चंक्स के ऊपर या सोया प्रोटीन के ऊपर। मैं वीडियो में सोया चंक्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कवर किया है, सोया चंक्स के जितने भी मिथ्स है, पॉपुलर मिथ्स, उनको कवर किया है। होप सो इसके बाद आपकी सोया चंक्स को लेकर कोई क्वेरी नहीं रहेगी, तो कमेंट करो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और बिना डरे खाओ यार सोया चंक्स, अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करो। बस जय श्री राम, थैंक यू।